हमारा जो वोटर टर्नआउट आया है वो है 62.59%। आप सब जानते हो कि लोकसभा इलेक्शन में हमारा टर्नआउट 60.5% था। सो इट इज स्लाइटली मोर देन दैट, इज अबाउट 2% मोर देन दैट। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। ये जीत मेरी जीत नहीं है। 21वीं सदी के दूसरे अशरे से महसूस ये हो रहा कि पूरी दुनिया में दोबारा मजहबी इंतहा पसंदी जन्म ले रही है, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो। लेकिन दो दिनों पहले जो दिल्ली के इलेक्शन में नतायज सामने आए, आम आदमी पार्टी के जो तीसरी बार जीती 70 सीट में 67 सीट, उसने बहरहाल एक उम्मीद की किरण पैदा कर दी है कि अगर जुनूनी मौजूद हैं तो जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ भी यहाँ लोग खड़े हो रहे हैं, उनकी मकबूलियत के बावजूद उनके काम न करने और मुस्तकिल झूठ बोलने की बुनियाद पे और रियासत मदीना के हवाले से मजहबी ब्लैकमेलिंग के हवाले से, इसी तरह मोदी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बाबरी मस्जिद ढा दिया उसने सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए, कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया उसने सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए, उसके बाद उसने अभी कवानीन बदल रहा मुसलमानों को ग़ुलाम बनाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के इलेक्शन ने यह साबित किया कि अभी भी लोग ऐसे हैं जो अक्ल व फहम की बात करते हैं। सियासत बहुत सिंपल सी चीज़ है। सदियों को अगर आप हम सियासत की तारीख़ देखें, जो जमहूरियत या बादशाह, दोनों सूरतों में तीन बातें बहुत अहम होती हैं, मज़हब, कौमियत और मुआशी इस्तेकाम। ये तीनों का जब कम, जिसे सोशलिज्म भी हम कह सकते हैं, इन तीनों के कम्बिनेशन से ही कोई कौम वजूद में आती है और तरक्की करती है। इसमें अगर सोशलिज्म और कौमियत हो जब भी चल जाता है, मज़हब और सोशलिज्म हो या मुआशी इस्तेकाम जब भी चल, लेकिन सिर्फ मज़हबी हो तो भी तबाह हो जाता है और सिर्फ सोशलिज्म हो तब भी तबाह हो जाता है। यानी ये कम्बिनेशन है कि जब ये कम्बिनेशन होते हैं, मुआशी इस्तेकाम सबसे अहम चीज़ है। मोदी ने ये गौर नहीं किया कि उसके दूसरे टर्म के इलेक्शन जीतने के बाद, जो 2/3 मेजॉरिटी से जीतने के बाद जो उसमें फिरौनियत पैदा हुई, ये नहीं देखा कि लाखों लड़के वहाँ नौजवान बेरोज़गार हो रहे हैं, जॉब्स जा रही हैं उनकी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ नहीं। ऐसी सूरत में मज़हबी जज्बात भड़काने की हद तक तो ठीक है, और ये भी सिर्फ इसलिए कि देखिए हिंदुस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान की तरह नहीं है माजरत के साथ, बल्कि कहा जा सकता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा था हिंदुस्तान आके, उनके यहाँ एक सिस्टम है, ला के नहीं वज़ीर आज़म बैठा जाते, ना ला के पार्टी जितवाई जाती, ना सिलेक्टेड लोग होते, बिल्कुल प्योरली इलेक्टेड होते हैं। यानी पूरे हिंदुस्तान में मोदी की बर्बरियत, शोहरत और तारीफ़ के बावजूद दिल्ली में 70 सीट में से सिर्फ 7 मिलना इस बात की अलामत है कि वहाँ लोग मसाइल पर बात करते हैं। ये जो पार्टी है, इसने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि लोगों का इस्तेहकाम, बिजली, पानी, गैस के मामले, मेडिकल के मामले, और हालांकि मोदी साहब ने जब कंपेन चलाया तो आप अंदाज़ा करें कि उनकी कंपेन में सिवाय नफ़रत के, सिवाय गालम गलोच के, बल्कि यहाँ तक के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के एजेंट हैं, गद्दार हैं, फला फला फला, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उनकी बिल्कुल सिंपल लाइन थी कि हमने 2 इलेक्शन में ये काम किया है, अगर आप समझते हैं कि हम ये काम करेंगे तो आप दे देंगे। 100 यानी बिजली यूनिट तक फ्री थी आम आदमी के लिए, अब उन्होंने कहा हम 200 कर देंगे। तो देखें, इमरान खान के लिए बहुत समझने की बात है, सोचने की बात है कि काम देखा जाता है। ये रियासत मदीना नहीं चलेगा आपका, या वहाँ बंदे मातरम नहीं चलेगा, भारत माता की जय नहीं चलेगा, क्योंकि ये बस ये चल जाता, पेट जो है रोटी मांगता है, आप उसको रोटी दीजिए फिर बातें कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। बाद लोगों का पाकिस्तान में सियासी पंडितों का ख्याल है कि मोदी जी पे इसके पे का कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कहते हैं कतरा कतरा पहाड़ों के ऊपर गिरे तो पहाड़ में पत्थर में सुराख हो जाता है, दरार आ जाती है। ये पहली दरार है बीजेपी पार्टी में, पहले वो झारखंड में भी हार गए, हरियाणा में भी चले गए, और अब इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली के इलेक्शन के बाद उनके लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अगर तो उन्होंने मुआशी इस्तेकाम हासिल नहीं किया तो अनदर 30 साल 3 साल
साल में वो बहुत तेज़ी से नीचे जाएंगे, और ये जो भूत है, क्योंकि यही भूत हमारे यहाँ ज़ियाउल्लाह के ज़माने में था मज़हबी, जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला कि सिवाय टेररिज्म के और सिवाय बदकिस्मती के कुछ भी हासिल नहीं आया, न मज़हब आया बल्कि उल्टा टेररिज्म आ गई, इंतहा पसंदी आ गई, तालिबान अलकायदा की शक्ल में, दाइश की शक्ल में, इस्लामिक स्टेट की शक्ल में, चीज़ें हर दिन एक नया नया ताउन, मज़हबी ताउन फैल रहा है यहाँ, ये चलने की चीज़ नहीं है। बात यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोगों के साथ इंसाफ और रोज़गार, हमें भी इससे सबक लेना चाहिए। इस इलेक्शन से बहुत अहम इलेक्शन है हुआ हिंदुस्तान में, लेकिन हमारे लिए सबक है कि आपको मुआशी इस्तेहकाम की तरफ और लोगों के लिए इंसाफ की तरफ, जो सेकुलर उनका स्टेट, हमारा तो मज़हबी स्टेट है, सेकुलर है, वो सेकुलर से हरगिज़ मुराद ये नहीं कि किसी एक मज़हब का, बल्कि हर मज़हब को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। ये एक इलेक्शन बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ इसके असरात मोदी जी पे ज़रूर पड़ेंगे, बशर्ते कि अपोजिशन पार्टी यूनाइट हो सके, क्योंकि मोदी जी को लाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि वो बहुत अच्छे, बल्कि इसलिए था कि कांग्रेस में जान नहीं थी और मुखालिफ टीमों में जान नहीं थी, तो ये सही मानों में अल्टरनेट यानी भारत मजबूरी आया। आज उनसे बेहतर काम करने वाले केजरीवाल की तरह या झारखंड की तरह, तो आप यकीन करें अगले इलेक्शन में बीजेपी हार जाएगी।